हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी अपडेट के बारे में। बहुत ही रोलर कोस्टर वाली एनर्जीज इस वक्त यूनिवर्स में चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेक श्योर कि आप ये पॉडकास्ट जो है एंड तक देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी से जो है मैंने इस बार रिसीव की है। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ कि आप क्या क्या साइंस जो है मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, जो मैंने नोटिस किए है इस ड्यूरेशन यूनिवर्स में। तो आप जो है न्यू बिगिनिंग्स के साइन डेफिनेटली देखोगे, न्यू बॉर्न बेबीज़, प्रेगनेंसी के वीडियोज़, देन डेफिनेटली शादी के वीडियोस वगैरह देख सकते हो। उसके साथ साथ 555, 999, 1111, 000 ऐसे एंजल नंबर्स आप देख सकते हो, 444 एंजल नंबर देख सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको आपके फेस पे जो है पिंपल आ रहे हैं या फिर आपका फेस डल हो गया है, ये साइन दिख सकता है। आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन करेगा और कभी आपको लगेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो आप बहुत काम करोगे, और कभी आपको बहुत ज़्यादा सोने का मन कर सकता है। तो ये सारी एनर्जीज जो है मैं इस वक्त फील कर पा रही हूँ। इसके साथ ही साथ आप ऐसा देख सकते हो कि कोई एनिमल जो है प्रेग्नेंट है, या किसी एनिमल के बच्चे हुए हैं, या फिर आप खुद को भी ड्रीम्स में जो है प्रेग्नेंट वगैरह देख सकते हो। आपके ड्रीम में प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह जो है आ सकती है। तो इस ड्यूरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एक साइकिल है आपकी लाइफ का, या फिर कोई भी एक आपके लाइफ में निगेटिविटी है, वो रिलीज़ होकर जो है आपकी न्यू जो है बिगिनिंग होगी। यानी कि कुछ ना कुछ पुराना जो है ब्रेक होगा, पीछे चला जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी। फिर वो आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती है, या ऐसा कुछ इशू मेजर जो आपका रिलीज़ नहीं हो रहा था, कोई कार्मिक रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें जो है रिलीज़ होंगी और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जो है आगे बढ़ोगे। तो ये वाली मेजर इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो है मैंने रिसीव की है। बाकी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि यार मेरी लाइफ क्या बन गई है वगैरह, आप इस तरह से जो है अपने आप को कोसने लग जाओगे, क्योंकि एनर्जीज़ हाई है। अगर आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे हो तो इस तरह से आप निगेटिविटी में भी जा सकते हो। तो मेक श्योर कीजिए, अच्छे से ग्राउंडिंग कीजिए एनर्जीज़ की, एक्सरसाइज वगैरह, इनर वर्क जो है डेली करें। अदरवाइज़ आप निगेटिव माइंड सेट में जो है आसानी से चले जाओगे और फिर वही जो है चीज़ें आप निगेटिविटी आपकी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। उसके साथ ही साथ गाइज, ये जो एक्सेस एनर्जी है इसकी वजह से इरिटेशन आना, गुस्सा होना, आपको ट्रिगर्स मिलना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होगी, और फिर बाद में जो है एनर्जी एकदम से नॉर्मल हो जाएगी जब आपको काफ़ी अच्छा और नॉर्मल बैलेंस्ड फील होगा। तो इस तरह से जो है अप्स एंड डाउन्स इस वक्त एनर्जी के आप फील कर सकते हो। उसके साथ ही साथ जो कोई भी डीएफ्स है, जो अपने डीएम से जो है रन कर रही थी, या फिर उन्हें जो है इस जर्नी पर डाउट था, अपने डीएम पर डाउट था, या किसी चीज़ में वो जो है स्टक थी, फंसी पड़ी थी, उन्हें चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही थी, तो फिर इस ड्यूरेशन जो है यूनिवर्स उन्हें वो चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करेगी। और जो डीएफ से रन कर रही है उनको रियलाइजेशन कराएगी यूनिवर्स की कि उनके लिए ये जर्नी जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए उनका ये जो स्पेशल कनेक्शन है DM DF का वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उन्हें जो है वापस इस कनेक्शन में जो है लाने की कोशिश करेगी। सो ऐसी DF जो मस्कुलाइन एनर्जी में इस ड्यूरेशन है, तो उन्हें ये जो चीज़ें हैं फील होंगी। तो आपकी जो है बेसिकली यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है, और इसकी वजह से आप जो है आपके DM से रन कर रहे हो, और डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपको वापस लाने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए आपको ट्रिगर्स, सोल शॉक्स वगैरह मिल सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अग्रसित कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत जो है इस वक्त यूनिवर्स
पनिशमेंट दे सकती है, या फिर यूनिवर्स आपसे गुस्सा हो गई है ऐसा आपको फील हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप इस ड्यूरेशन जो है नोटिस करोगे। सो गाइस, ये मेजर एनर्जीज जो है चल रही थी, उसके साथ ही साथ मैंने आज नोटिस किया कि हार्ट सेंटर पर जो है आप काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस या प्रेशर जो है फील कर सकते हो, और ये एनर्जी इसके लिए है ताकि आपके सॉरी गाइस, मेरा गले को पता नहीं आज क्या हो गया है, आपके हार्ट सेंटर से जो कोई भी निगेटिविटी है या जो कोई भी ब्लॉकेजेस है वो इसी ड्यूरेशन जो है रिलीज़ हो रहे हैं। अगर आप शांति से ध्यान में बैठ के इस एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एनर्जी जो है आपकी नहीं है और ना ही आपके डीएम की है। तो यहाँ पर जो है आपके अंदर से आपकी कोई मेजर इशू है हार्ट का जो रिलीज़ हो रहा है, और जो यूनिवर्स जो है हील कर रही है, और आपने आपके हार्ट चक्रा को जो है थोड़ा सा बैलेंस कर रही है। तो इसकी वजह से आप में से कोई लोग जो है हार्ट सेंटर पर प्रेशर जो है फील कर सकते हो, बाकी थोड़ी बहुत डीएम की यू नो मिसिंग एनर्जी आप रिसीव कर सकते हो। उसके साथ ही साथ जो है थोड़ा बहुत आपको पेन फील हो सकता है, आपकी डीएम की याद भी आ सकती है, लेकिन इस यू नो 4-5 दिन के ड्यूरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ मेजर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको सोल शॉक जो है मेजर मिल सकते हैं। तो ये सारी गाइस आज की एनर्जी थी। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। बाय बाय।